नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि आगे के डिजाइन्स कैसे बनाई जाती है। ये स्टार्टिंग कैसे किया था मैंने पार्ट वन पार्ट टू में बता दिया था, और ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं पार्ट थ्री देख पा रहे हैं। तो इसलिए इसमें पूरी डिजाइन्स आगे कैसे बनेगी वो सभी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए आगे डिजाइंस कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपने पार्ट वन पार्ट टू देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है ऊपर की तरफ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देख सकते हैं, या फिर आपको लास्ट में स्क्रीन आती है हमारी वीडियो के सबसे अंत में, वहाँ आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कहीं भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ देखने का ऑप्शन है मैंने आपको बता दिया है। और हर ये हमारी खाट है, ये पाँच खटिया की खाट है दोस्तों। इससे पहले भी मैंने पाँच खटिया की खाट बताई थी तो वो अलग डिजाइन की थी, और ये आज आपको अलग डिजाइन की बता रहा हूँ मैं। यदि इससे भी आपको आसान सीखना है तो वो भी आप बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको बनाकर बता दूंगा दोस्तों। ये थोड़ा अलग सीक्वेंस होगा, अलग डिजाइन होगा, और इससे मैंने अलग पहले बनाई थी वो अलग फूलों की बनाई थी दोस्तों। तो इस पांच कटिया की खाट में भी आप फूल बना सकते हैं इसमें भी, और सिंपल भी बना सकते हैं दोस्तों। ये सभी आपके ऊपर है कि आपको फूल बनाना है या सिंपल बनाना है। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है इसमें, यहाँ से अभी आपको बता देता हूँ पर्टिकुलर्स। मैंने सात रस्सी है, पांच दबाकर सात रस्सी उठाई है, फिर मैंने दोस्तों यहाँ पे तीन दबाई है। तो इस प्रकार से बाद में आपको तीन दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ मैंने पांच दबाई पांच रस्सी उठाई दोस्तों। तो इस प्रकार से अलग अलग सीक्वेंस है वो हमारा चेंज होता रहता है दोस्तों। फिर यहाँ पाँच दबाकर मैंने सेंटर में दो रस्सी आपको मैंने दबा दी, जी हमारा है ये दो रस्सियों का लिया गया इसमें, तो ये मैंने दबा दिया दोस्तों। फिर आगे पांच उठाई पांच दबाई, फिर कहीं आपको मैं पांच दबाकर तीन उठाता हूं, फिर तीन दबा देता हूं, और फिर आपको आठ रस्सी उठानी है दोस्तों। अभी फिर ये पांच रस्सी दबा दी। तो इस प्रकार से अलग अलग सीक्वेंस इसमें चलता रहता है, हर रस्सी का हमारा अलग अलग सीक्वेंस चलता है दोस्तों। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से दोस्तों कमेंट आया था कि आप एक एक रस्सी बनते हुआ दिखना चाहिए, तो वही मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और रस्सी इसको थोड़ा नज़दीक करते रहिए, और ये ज़्यादा टाइट नहीं रस्सी रखना आपको, नॉर्मल रस्सी रखेंगे तो हमारी ये सही हो जाएगा दोस्तों। और इसमें हर पांच रस्सी बाद में मैं एक दावनी डालता हूँ, और पांच रस्सी बाद में सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाता है दोस्तों, तो वो सभी आपको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से पहले मैंने आठ उठाए थे, फिर सात उठा दिए, तो ये आपको अलग अलग थोड़ा सा ध्यान, तीन दबा कर तीन उठा दिए, क्योंकि लहर है वो हमेशा अलग अलग ही हमारी चलती हैं, तो ये सभी आपको ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों पर्टिकुलर्स, यदि ऐसी आपको चारपाई देखनी है तो हमारे चैनल पे कितनी प्रकार के आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है वो एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको जो भी डिजाइंस की चारपाई अच्छी लगेगी और जो भी आपको चारपाई अच्छी लगे वो आप बना सकते हैं। तो टोटल्स दोस्तों आप छः प्रकार की चारपाई देख सकते हैं। जो मैं आपको ये डिजाइंस दिखा रहा हूँ इस डिजाइंस की आपको बात अलग है दोस्तों, लेकिन ऐसी खाट आप छः प्रकार के देख सकते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो छह प्रकार की खटिया हमारी हैं ये देख सकते हैं। तो छह प्रकार की कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर्टिकुलर सभी में आपको सीक्वेंस के साथ और डिजाइंस के साथ मिलेगा दोस्तों, क्योंकि डिजाइंस ही मिलेगा आपको, सीक्वेंस ही मिलेगा। तो आपको डिजाइंस अच्छी लग रही है, जो भी डिजाइंस अच्छी लगेगी वो डिजाइंस आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चौकड़िया की खाट का नंबर आता है इसमें, चौकड़िया खाट आप बना लीजिए सबसे पहले, वो आसान होती है सबसे। तो वो मैंने आपको बताया था, आसान चारपाई भी आपको डालकर बताई थी और डिजाइंस की भी, दोनों चीज़ मैंने चौकड़िया खाटे में बताई है। आपको जो भी अच्छा लगेगा वो आप बना सकते हैं, कि आसान आपको अच्छी लग रही है तो आसान बना लीजिए, यदि डिजाइंस की आपको अच्छी लग रही है तो आप डिजाइंस की बना सकते हैं। अब ये सभी आपके ऊपर है दोस्तों, आपको कौन सी चारपाई अच्छी लग रही है। यदि सिंपल आपको अच्छी लग रही है तो सिंपल बनाइए, यदि डिजाइंस की अच्छी लग रही है तो डिजाइंस की आप बना सकते हैं। फिर आता है दोस्तों ये हम जो खाट देख रहे हैं ये पांच कड़िया खाट है, जो ये हमारे ये फाड़े हैं वो पांच के रस्सी, तो इसी प्रकार से इसको पांच कड़िया की बोलते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें इससे पहले मैंने जो बताई थी चारपाई
वो दोस्तों अलग डिजाइंस की है और ये थोड़ा अलग डिजाइंस की, और इससे भी आसान डिजाइंस आपको पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके बता देंगे, तो इससे भी आसान मैं आपको चारपाई बनाकर बता दूंगा। वीडियो के नीचे आप देखेंगे दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको प्रॉपर मिलेगा और मेरा पूरा एड्रेस हिंदी में और इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत से दोस्तों का मेरे पास कमेंट आता है कि आप एड्रेस बताइए, अपना मोबाइल से नंबर बताइए, तो लेटेस्ट वीडियो देखेंगे आप, पुराना वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। पुराना वीडियो में आप देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों, लेकिन अभी फिलहाल के लेटेस्ट वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एड्रेस मिलेगा, फिर आपको वीडियो के नीचे अंडरलाइन, जब वीडियो आप पूरा देखोगे तो अंडरलाइन चलती हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट और रहेगा आपसे कि जब भी आप वीडियो देखें अंत तक देखेंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। बेल के बटन से क्या होता है दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन हो जाएगा कि ये हमारा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, क्योंकि मैं हर चार पाई के पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर तक बनाता हूँ, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी से है बात, तो इस प्रकार से आपको सभी पार्ट देख सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रहेगा दोस्तों कौन सा पार्ट देखना है, वो सभी आपके ऊपर है दोस्तों, आपको कौन सा पार्ट देखना है। तो वो सभी अलग अलग पार्ट मैं बनाता हूँ, कि जब भी चारपाई बनाता हूँ पूरी बनाता हूँ, लेकिन पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव तक जाती है दोस्तों, तो वो आपको विशेषकर ध्यान रखना है आपको, तो ये आप देखेंगे तभी आप पूरा समझ पाएंगे। चलते हैं दोस्तों, हमारी पांच रस्सी हो गई हैं, अब हम दावणी डाल देते हैं, तो ये भी साथ के साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें कब ये दावणी डालना है, वो सभी आपके ऊपर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आगे डिजाइन ये बनाएंगे दोस्तों, थोड़ा सिक्वेंस मैंने रस्सी का चेंज कर दिया है, इस प्रकार से आप भी चाहें तो रस्सी का सिक्वेंस ये चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों चौकड़िया की, बात में आपको बता दिया, पांच कड़िया की खाट बता दिया, और छकड़िया खाट हमारा नंबर आता है दोस्तों। तो छकड़िया खाट में मैंने बहुत सी डिजाइन से बताई हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों कि छकड़िया खाट हमारी कैसी होती है और कौन कौन सी डिजाइन होती है, तो उसमें मैंने कई डिजाइन बताई है, यदि वो डिजाइन आपको अच्छी लगती हैं तो वो आप बना सकते हैं। छकड़िया खाट में भी मैंने दोस्तों कई डिजाइन आपको बनाकर बताई है, यदि वो आपको अच्छी लग रही है तो वो आप बना लीजिए, या फिर और भी हम आपको बता देता हूँ दोस्तों, आठ कड़िया की खाट का नंबर आता है, फिर छकड़िया खाट के बाद में आठ कड़िया की खाट का नंबर आता है, तो उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए, आठ कड़िया खाट का भी दो डिजाइन से मैंने बनाकर दिखाए दोस्तों। दोनों डिजाइन में जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप बना लीजिए, वो सभी आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको कौन सी डिजाइन अच्छी लग रही है। फिर आता है नौकड़िया खाट का नंबर, इन सभी के बाद में आता है नौकड़िया खाट का नंबर दोस्तों, तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पाँच दबाकर मैंने आठ रस्सी उठाई है, फिर मैंने तीन दबाकर और तीन रस्सी उठाई है दोस्तों, तो ये हमारा सीक्वेंस चला है। फिर आपको आगे पाँच दबानी, पाँच उठानी है दोस्तों, तो ये क्योंकि पाँच कड़िया खाट है, फिर आप आगे पाँच दबाते और पाँच उठाती रहिए, तो ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। रस्सी ध्यान रहे कि रस्सी हमारी अलग ना हो, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जी वाली रस्सी है, ये उठा देते हैं, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है दोस्तों नौकड़िया खाट का नंबर, आठ कड़िया की खाट के बाद में आता है नौकड़िया खाट का नंबर। नौकड़िया खाट में मैंने कई डिजाइंस बताई हैं, तो वो भी आप डिजाइंस देख सकते हैं, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों बारह कड़िया की खाट का नंबर, बारह कड़िया खाट में मैंने कई डिजाइंस बताई हैं। डिजाइंस तो दोस्तों वैसे मैंने हर खाट में बताई है, सिंपल भी बताई है मैंने कि डिजाइंस भी बताइए, दोनों चीज़ मैंने बताया कि आपको सिंपल मान लीजिए अच्छी लग रही है तो सिंपल बना लीजिए, यदि डिजाइंस की अच्छी लग रही है तो डिजाइंस की बना सकते हैं, वो सभी आपके ऊपर। आपको डिजाइंस की अच्छी लग रही है तो डिजाइंस की, यदि सिंपल चारपाई अच्छी लग रही है तो सिंपल बना लीजिए, वो सभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चारपाई अच्छी लग रही है दोस्तों, वो सभी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये सभी आपको छः प्रकार की डिजाइंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो जो भी छहों डिजाइंस में हमारे में आपको अलग अलग सीक्वेंस के साथ मिलेगा, सभी डिजाइंस एक नहीं मिलेंगे आपको, जो भी देखेंगे चारपाई उसमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा दोस्तों। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं, कौन सी डिजाइंस अच्छी लग रही है वो सभी आपके ऊपर है दोस्तों, ये छह कड़िया में लगेगी आपको या नौ कड़िया खाट में, आठ कड़िया खाट में, क्योंकि सभी का सीक्वेंस और डिजाइंस अलग अलग मिलेगी आपको, या बारह में मिलेगी या चौकड़िया में मिलेगी, तो आप चौकड़िया बना सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सबसे आसान होती है वो चौकड़िया की खाट ही है दोस्तों,
ये आपको, लेकिन डिजाइन्स में आप देखेंगे तो 6 कड़िया की, 9 कड़िया की, 12 कड़िया की या 5 कड़िया की आपको मिलेगी दोस्तों। ये डिजाइन्स में आपको और फूल बनाना सीख जाएंगे। और ये माई कैसे गुथे जाती हैं इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाया है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और यदि पार्ट वन आपने, पार्ट टू में क्या है कि या तो वीडियो की लास्ट में मिल जाएगा दोस्तों स्क्रीन में, या फिर आई बटन में आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी आपको पार्ट वन पार्ट टू भी मिल जाएंगे, तो वो भी आसानी से आप देख सकेंगे। क्योंकि जब भी आप वीडियो देखेंगे अंत तक देखेंगे और सभी आप पार्ट देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं वो बोलते हैं हमें कि आधी चारपाई बना, आधी में चारपाई कभी नहीं बनाता। जब भी आप चारपाई देखेंगे तो पूरी ही देखेंगे दोस्तों, क्योंकि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में आपको देखना होगा। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखेंगे तभी आप ये डिजाइन की चारपाई बना पाएंगे दोस्तों। और ये आपको एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि कई हमारे व्यूवर्स हैं उनका कमेंट आता है कि कितने किलो रस्सी लगती है। तो यदि आपको नॉर्मल चारपाई भरनी है तो 6-7 किलो रस्सी लगेगी, यदि आपको ठीक भरनी है चारपाई, अच्छी भरनी है तो 7-8 किलो रस्सी लग जाएगी दोस्तों। तो ये सभी आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चारपाई भरनी है। नॉर्मल भरनी है तो 5-6 किलो में आपका काम चल जाएगा दोस्तों। तो ये सभी आपके ऊपर ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चारपाई अच्छी लग रही है, जो भी डिजाइन की अच्छी लग रही है, और हमें कौन सी चारपाई भरनी है, वो सभी आप भर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें फूल भी आपको बताऊंगा दोस्तों, मैं फूल कैसे बनाए जाते हैं, तो वो सभी आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो इस प्रकार से अलग अलग डिजाइन्स के साथ साथ इसमें आपको सीक्वेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारे डिजाइन चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो देखो इसमें लहर, आपको ये लहर अलग है, ये लहर अलग है, इस प्रकार से अलग अलग लहरें आपको देखने को मिलेंगी। और यदि इसके अलावा भी आपको और भी खाट देखने, हमारी जो पिलंग होते हैं गोंडियों का वो देखना है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अलग सीक्वेंस, अलग रस्सी, अलग बताया दोस्तों। उसमें भी डबल माई की, सिंगल माई की देखने को आपको मिलेगी कि डबल माई की कैसे बनाई जाती है, सिंगल माई की कैसे बनाई जाती है, तो वो सभी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी डिजाइन चाहिए और कौन सी खाट आपको चाहिए दोस्तों, कि सिंगल की चाहिए, डबल माई की चाहिए, ये सभी आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग में मिल जाएगा। और ताना भी मैंने 2-3 डिजाइन से तान के दिखाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें ताना तानना है। तो ये आपको अलग अलग सीक्वेंस में भी ताना आपको मिलेगा दोस्तों, तो वो सभी आपको देखना होगा, थोड़ा सा विजिट करेंगे उसमें। जब भी मैं, क्योंकि कोई भी चारपाई बनाऊँ तो नई ही डिजाइन बताता हूँ आपको, पुरानी डिजाइन नहीं बताता हूँ मैं। वो तो कई दोस्तों का यदि कमेंट आता है हमें ये डिजाइन बताए तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने दोस्तों नई ही डिजाइन आपको बताए हैं। तो आप नई नई डिजाइन देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल का बटन दबाइए, ताकि सभी वीडियो आपको पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पहुँच सकें, तो आपको दोस्तों बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये देखो इस प्रकार से आप बनाते रहेंगे। अब हमारी ये पूरी 5 रस्सी हो गई हैं, और हर 5 रस्सी के बाद में हमारा सिक्वेंस अब चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमारा सीक्वेंस है रस्सियों का, वो आपको चेंज मिलेगा दोस्तों। ये देखो एक तरफ आपको रस्सी डालने, दूसरी तरफ अपने आप मैच हो जाएंगे। और इसमें चारपाई में आपको नाम कैसे लिखना है, मोबाइल से नंबर कैसे लिखना है, उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाए, और वो भी हिंदी में इंग्लिश में बताया दोस्तों, दोनों में मैंने बनाए हैं कि हिंदी में आपको मोबाइल से नंबर कैसे लिखने हैं, इंग्लिश में कैसे लिखने हैं। तो ये सभी के बारे में पर्टिकुलर्स वीडियो बनाए दोस्तों, तो वो भी आप देख सकते हैं कि नाम के बारे में भी, मोबाइल नंबर के बारे में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी मैंने 2-2 डिजाइन से बताए हैं। तो ये आपको अच्छा लग रहे हैं नाम की चारपाई, तो वो भी आप सीख सकते हैं कि नाम कैसे लिखे जाते हैं, मोबाइल नंबर कैसे लिखते हैं, तो वो भी मोबाइल नंबर मैंने लिखकर दिखाया है और नाम भी लिखकर दिखाएं दोस्तों। तो इस प्रकार से वो भी आप सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा दोस्तों उसमें भी, क्योंकि नाम में भी हर नाम की सीक्वेंस की अलग अलग रस्सी होती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा मैंने सीक्वेंस इसका चेंज कर दिया है। अब हमारे फूल के डिजाइंस में आपको दिखा रहा हूँ कि फूल कैसे बनाए जाते हैं। एक यहाँ फूल बनेगा कि यहाँ पे एक यहाँ, इस प्रकार से 3-4 इसमें फूल बनेंगे दोस्तों, तो वो सभी आपको देखने को मिलेगा। यदि और भी आपको चारपाई देखने हैं हमारे चैनल पर जाकर, आपको हाथी, घोड़ा, मोर, ऊँट, तोता, इनके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाए हैं, क्योंकि कई हमारे दोस्तों के कमेंट आए थे मेरे पास शुरू में, तो मोर बनाना बताइए, तोता बनाना बताइए, तो वो भी मैंने बताया दोस्तों, तो वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों।
क्योंकि कई वीडियो हैं, लेकिन आपको प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो प्लेलिस्ट भी खोलेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों कौन से आपको डिजाइन्स हैं, हमारा कौन सा है ये चैनल से, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप प्लेलिस्ट में भी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों आपको कौन सी डिजाइन चाहिए, वो सभी डिजाइन्स देखने को मिल जाएगी। तो देखिए हर इसका सिक्वेंस अब हमारा चेंज हो गया दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारा यहाँ पे फूल आपको बनता हुआ नज़र आएगा, तो वो सभी आपको देखना है इसमें। यहाँ पे फूल आपको अलग अलग सिक्वेंस में हम फूल भी बना सकते हैं, देखो लहर भी बनाएंगे और फूल भी बनाएंगे दोस्तों। दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि लहर भी हमें सीखना है और फूल भी हमें सीखना है, दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये लास्ट का भी आपको सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मतलब लहर के साथ साथ आपको फूलों का भी ध्यान रखना है। तो देखिए ये हमारी है, ये लहर इसी प्रकार से चलेगी। तो इस प्रकार से हम आगे ये सीक्वेंस है ये हमारा चेंज होता रहेगा, हर 5 रस्सी बाद में हमारा सीक्वेंस चेंज होता है। लेकिन दोस्तों वैसे आप डालोगे तो हर रस्सी का सीक्वेंस इसमें चेंज मिलेगा, ये फाड़ा ये हमारा 5 रस्सी बाद में ही डाला जाता है। तो वैसे देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 दबाकर 7 रस्सी उठा लेंगे। तो इस प्रकार से फिर हम 3 दबाएंगे 3 उठाएंगे, कहीं पे 5 दबाएंगे, कहीं पे 2 दबाएंगे, कहीं पे 3 दबाएंगे। तो इस प्रकार से सीक्वेंस है वो आपको चेंज मिलेगा दोस्तों, 5 दबाकर फिर 5 उठाई, अब यहाँ पे 5 दबाकर फिर मैं 4 रस्सी उठा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे 3 दबा रहा हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग सिक्वेंसेस में बनाया जाता है। तो जो भी आपको सिक्वेंस अच्छा लगेगा वो आप बना सकते हैं। ये हमारा जी की रस्सी थी, ये मैंने उठा लिए, तो देखो यहाँ पे आप फूल बनता हुआ नज़र आएगा आपको। तो इस प्रकार से ये सभी डिजाइंस आपको देखने को मिलेगा और इसमें सिक्वेंस में आपको फूल भी मिल जाएगा, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। और भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा भी आप डोके होते हैं, कई गांव में पूड़ा बोल देते हैं, कहीं कुच्चा बोल देते हैं, तो उनसे मुड्डा कैसे बनाया जाता है, मुड्डी कैसे बनाई जाती है, तो उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप देखने को मिल सकता है आपको कि मुड्डा मुड्डी होती हैं वो किस प्रकार से बनाई जाती हैं। उसमें भी दोस्तों आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ही देखना होगा, क्योंकि उसमें भी मैंने सीक्वेंस ही बताया कि आपको किस प्रकार से रस्सी डालनी है, खड़ा कैसे करना है उसको, मोड़ी कैसे बांधनी है, फिर ताना कैसे तानते हैं, वो सभी मैंने बताया दोस्तों। तो आपको सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा आप विजिट करेंगे हमारे चैनल पे तो आपको बहुत चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा सीक्वेंस है, ये हमारा रस्सियों को थोड़ा इस प्रकार से सेट कर दीजिए ताकि हमारी सभी रस्सियाँ बराबर हो जाएँ। तो ये सभी आपको ध्यान रखेंगे हम, और इससे आगे डिजाइन कैसे बनेगी दोस्तों वो मैं आपको पार्ट 4 में बताऊँगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ही भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।